So, Prabhuji, Ram Katha ka kaun sa prasang sunayenge aaj views ko aap? हाँ, एक प्रसंग जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे वशिष्ठ जी ने भरत जी को ये प्रसंग सुनाया था जब उनके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया था और इनका अंतिम संस्कार हो गया था। कहते हैं कि दशरथ जी के बारे में सोच करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो प्रभु का नाम छोड़ के शरीर छोड़ा, नाम जपते हुए, तो उसके लिए सोच क्या करना चाहिए? ये सोच किसका करना चाहिए? कहते उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो वैदिक मार्ग पे नहीं चलता और विषय भोग पड़ जाता है अपना धर्म छोड़ के। उस कहते कि क्षत्रिय का राजा का सोच करना चाहिए जो आप जो राज्य धर्म नियम से पालन नहीं करता और प्रजा का शोषण करता है, कि भी तेरी क्या गति को समझाते चाहिए, तू कर क्या रहा है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए, वैश्य नहीं व्यापारी का, जो जिसके पास धन हो और फिर भी कंजूसी कर रहा है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो मान बढ़ाई चाहता है, व्यर्थ का बकवास करता है और संतों का अपमान करता है, तो कर क्या है, उसका सोच करना चाहिए। फिर उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो कुटिल है, कलह प्रिय है, पति को छलने वाली है, अमंचा आचरण करने वाली, कि भाई तेरी क्या गति की तू क्यों ऐसा काम करता। उस ब्रह्मचारी का सोच करो जो ब्रह्मचारी नियम को त्याग देता है और गुरु की आज्ञा नहीं मानता। उस गृहस्थ का सोच करिए जो मोक्ष कर्म का त्याग कर, अकर्म का त्याग कर दोगे तो आप अपने परिवार का क्या पालन पोषण कैसे कराओगे। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जिसने सन्यास धर्म तो लिया हुआ लेकिन विषय भोगों में फंसा हुआ है। उस वानप्रस्थ का सोच करना चाहिए जो 60-70 साल की उम्र में आने का भी विषय भोग में पड़े, अभी भी उनका भजन करने की इच्छा नहीं हो रही। इस पर कितने लोग हैं जिनका सोच करना चाहिए, जो अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं, किसी के परवाह नहीं करते, निर्दयी है, ये तो कहते सब सोच करने योग्य है। लास्ट में कहते वो तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता, क्योंकि जो मनुष्य राम राम करता है उसको तो, जो नहीं करता उसको तो राम राम पर सुधार सकते हो, जो भक्ति नहीं होता आप उसको कैसे सुधारोगे। इससे वो सभी प्रकार सोच करने योग्य है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, इससे हमें ये समझना चाहिए कि जो भगवान की भक्ति में होते हैं, बहुत रेयर लोग होते हैं ऐसे, ये बहुत बड़ी कृपा है। जैसे दशरथ जी ने जब शरीर त्यागा तो वो राम 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 कर रहे थे, तो वैसे ही अगर हम में से कोई हमारा चाहने वाला भगवान के साथ जुड़ा रहेगा तो अवश्य ही वो भगवान का नाम जाप करते हुए शरीर छोड़ेगा, तो उसको तो परम गति मिल गई, यानी कि मोक्ष मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, समाज के 99% लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जैसे प्रभुजी ने बड़े सारे उदाहरण दिए, जो बिजनेसमैन है, पैसा भी है लेकिन फिर भी कंजूसी करता है, कोई पॉलिटिशियन बन गया है, वो समाज सुधार के काम करने की जगह अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में फंसा रहता है और करप्शन करता है। तो इस तरह से जो लोग भी अनएथिकली काम कर रहे हैं, और खासकर वो जो लोग जो बिल्कुल ही भगवान की भक्ति में नहीं है, वैसे लोगों को हमें गाइड करनी चाहिए ताकि वो ये समझ पाए कि जो मनुष्य जीवन है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए नहीं कि हम महंगी गाड़ियां और महंगे सोफे खरीद लें, इसलिए कि हम भगवान की शरण में आए और अपने वास्तविक रूप को पहचाने, जिसमें हम आत्मा हैं और भगवान के बच्चे हैं, और इस बात को समझ के प्रयत्नशील हों भगवान की प्राप्ति के लिए। ऐसा नहीं कि हम बाकी सारे काम नहीं करेंगे, बट बाकी सारे कर्म भी हम भक्ति भाव में रह के करें। तो फ्रेंड्स, प्लीज प्लीज ट्राई टू गाइड दोज पीपल जो इस रास्ते पे नहीं है, इससे उनका भी भला होगा और ईश्वर आपसे भी खुश हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रसंग के साथ। जय श्री राम। जय श्री